कि जब युद्ध समापन की स्थिति में महाराज अश्वत्थामा के बाल बना लिए गए, उसकी मृत्यु नहीं की गई, उसकी मणि छीन ली गई, संभावत सच्चा कीर्ति मरणादिपृच्छ थी। उसके बाद में जब वो गया तो सिर फिरा तो था ही, गुस्सा आया, उसने सोचा अब मैंने इनके जब पांच पांडव पांच पुत्र मार ही दिए तो वंश शून्य ही कर दो। अब जो एक बच्ची है इनकी उत्तरा के गर्भ में एक बालक है, यदि वो भी मर जाए तो फिर कोई बचेगा नहीं। ब्रह्मास्त्र का उसने प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र धधकता हुआ जब उत्तरा के पास आया तो यहाँ उत्तरा का चरित्र है, उत्तरा के चरित्र से भी कुछ सीखो। ये नारियों का चरित्र कितना महान है श्रीमद् भागवत। उत्तरा के पास में जब धधकता हुआ ब्रह्मास्त्र ब्रह्म श्रस्तमोघम चाप्रतिक्रियम अप्रतिक्रिय था वो, और जब ब्रह्मश्रा नाम का ब्रह्मास्त्र जब वो आ रहा था, तो अगर आपके जीवन में कष्ट आए तो आप अपने स्वजनों और मित्रों के पास फेथफुल लोगों के पास जाते हो, लेकिन द्रौपदी पांडवों के पास नहीं गई, नकुल सहदेव भीम अर्जुन युधिष्ठिर के यहाँ नहीं गई, वो किसी के पास में नहीं गई, अपने पिता के पास नहीं गई, उत्तम भाई के पास नहीं गई, कहां पर आई? तुम्हारे जीवन में जब भी दुख आए तो दुनिया के लोगों के पास में मत जाना, क्योंकि दुनिया के लोग तो खुद ही अपने दुख में दुखी है, इसलिए जो दुखों को निवृत्त करने वाला है गोविंद है, उसके पास में आ जाना। उत्तरा भगवान के शरणागत है। पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तदभयम पसे यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मैं आपकी शरणागत हूं, और जहां आप हो भक्तों के जीवन में मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। गोविंद ने मुस्कुरा करके देखा, क्यों डर रही हो, क्या हुआ, का ये बाण आ रहा है? अच्छा तो तुम जलने से डर रही हो, एक ना एक दिन तो सब जाते ही ऊपर के लिए। कहा नहीं नहीं मैं इस बाण के जलने से नहीं डर रही हूं, मैं जलूं तो 100 बार जल जाऊं गोविंद मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं जलूं तो जल जाऊं, मैं मरूं तो मर जाऊं, लेकिन मेरे अंक में मेरे गोद में मेरी कोख में जो बच्चा है उससे कुछ नहीं होना चाहिए, ये आप वचन दो। भगवान फिर मुस्कराए, जिस बच्चे का अभी जन्म नहीं हुआ उसमें इतनी आसक्ति? कहा नहीं मुझे बच्चे में कोई आसक्ति नहीं, जब मेरे पति का प्राण प्रयाण हुआ मैं अभिमन्यु के साथ में ही क्षति हो जाना चाहती थी, लेकिन नारद जी ने मुझे रोका। नारद जी ने कहा कि उत्तरा तुम गर्भवती हो और तुम्हारे गर्भ में कोई ऐसा वैसा बालक नहीं है, भगवान का भक्त है, और तब से मैं इसी आशा में जी रही हूं कि मैं आपके भक्त का दर्शन करूं, मैं मरूं तो मर जाऊं मुझे कोई चिंता नहीं गोविंद, लेकिन मेरी कोख के अंदर आपके भक्त का विलास ना हो, उससे क्या तुमको दिक्कत है? का दिक्कत यह है कि आपकी भक्ति रुक जाएगी, फिर कोई आपकी भक्ति नहीं करेगा, कहेगा कि जिन गोविंद की इतनी भक्ति करते थे पांडव वंश शून्य हो गए तो क्या फायदा है, इसलिए गोविंद अपनी भक्ति को बचाओ, आपका जो प्रेम दुनिया में विस्तृत हो रहा है उसकी रक्षा करो, इसी की मुझे चिंता है। काम मदह तुमनाथ मामे गर्भो विपोयताम, मैं मरूं तो मर जाऊं इसलिए मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। अभद्रवती मामी सो सरस्तप्ताय सो विभो काम मदह तुमनाथ मामे गर्भो निपत्यताम, मैं मरूं तो मर जाऊं मेरे गर्भस्थ शिशु की मौत ना हो, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। गोविंद ने कहा कि कितनी महान माँ है जिसे अपनी चिंता नहीं मेरी भक्ति की चिंता है। भगवान ने एक पल के लिए सोचा कि मैं ऐसे ही महान आत्माओं को माताओं को अपनी माँ बनाता हूं, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं इस पवित्र आत्मा की कोख में जाकर के इसका मैं बेटा बनता। गोविंद अपने इस लोभ को संवरण नहीं कर पाए, पता नहीं कब मौका आएगा, फिर कब अवतार लूंगा, कब इसको मैं मां बनाऊंगा, इसलिए परीक्षित की रक्षा करने का बहाना लेकर के जुगोप कुक्षिम गत आत चक्रो मातुश्च मे असलम गताया, अंगुष्ठाकार स्वरूप धारण करके परीक्षित की रक्षा के बहाने मां की कुख में चले गए। ब्राह्मण एक दुष्ट को मारने के लिए एक शस्त्र का प्रयोग करते हैं, परीक्षित की रक्षा के लिए दो शस्त्रों का एक साथ प्रयोग हुआ है, बाहर में सुदर्शन चक्र लगा हुआ है और अंदर में भ्रामियन गदाम मुहु, मृत प्राय हो गए परीक्षित को पुनः जीवंत मां के कोख में किया गया।